रेस उम्र 25 उम्र 25 25 साल हाँ 25 उम्र 25 कितना भाई है? मैं बड़ा भाई हूँ। हमने देखा बड़ा अफसोस हो गया। इसने भाई का चेहरा ना देखा फिर क्या बताएगा। केसर शाह साहब जो कि भारतीय फौज के एक जांबाज सिपाही थे, मुल्क की खिदमत में उन्होंने 10 साल अपनी सेवाएं दी। बारामूला के बूटा पथरी के घने जंगलों में आतंकवादी हमले में केसर शाह साहब आतंकवादियों दहशतगर्दों से लड़ते हुए इस वतन पर अपने अजीमो शान मुल्क पर वो कुर्बान हो गए। पूरा हिंदुस्तान पूरा मुल्क केसर शाह साहब की इस शहादत को सलाम करता है, उन्हें सलूट करता है। केसर शाह साहब जो साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के शांगस के रहने वाले थे, एक बहुत होनहार एक जांबाज सिपाही के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अमन शांति और खुशहाली के लिए हमेशा काम किया। फौज के अंदर तो उन्होंने हब्बल वतनी के जज्बे से काम किया, लेकिन अपने गांव अपने यहाँ के लोगों की खिदमत का भी वो जज्बा रखते थे। उनकी शहादत को पूरा मुल्क सलाम पेश करता है। ये बम बंदूक पिस्तौल गोलियों और ग्रेनेडों का ये खेल बंद होना चाहिए। ये गोलियां ये पिस्तौल ये ग्रेनेड ये बंदूकें किसी का भला नहीं कर सकती। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत जुल्म सितम देखे, बहुत बेगुनाह लोगों के कत्ल यहाँ हुए। यहाँ कब्रिस्तान और शमशान जम्मू कश्मीर में बने। ये इंसानियत का कत्ल ये खून खराबा ये ठीक नहीं है। ये खेल ये खूनी खेल बंद होना चाहिए। जो अमन के दुश्मन है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन है, वो नहीं चाहते कि यहाँ कश्मीर के लोग जम्मू के लोग अमन से रहें। जब भी जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान आता है। बॉर्डर के उस पार से ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ के हालात खराब किए जाएं, और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी साजिशें और कोशिशें हो रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर में यहाँ के हालात बिगाड़ने की साजिश हो रही। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को फिर से दहशतगर्दी की आग में दहशतगर्दी के माहौल में धकेलने की एक साजिश और कोशिश बॉर्डर के उस पार से हो रही है। हमने पहले भी पिछले 35-40 सालों में ऐसी तमाम कोशिशों को मिलकर नाकाम किया है। हमारी फौज हमारी पुलिस
हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम ने मिलकर ऐसी तमाम साजिशों और कोशिशों के खिलाफ डटकर पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी हम सबको मिलकर एक होकर इन साजिशों से लड़ना पड़ेगा। ये खून खराबा, ये बेगुनाहों का कत्ल, ये इंसानियत का कत्ल, ये इंसानियत को भी तार तार करता है, दागदार करता है।